पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शुक्रवार को माता दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर विश्व शांति और खुशहाली की कामना की गई। भक्तों ने उपवास रखकर घर परिवार की समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिरों और घरों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किए गए। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर घर परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में प्रातःकालीन सत्र में हवन पूजन संपन्न हुआ। पूर्ण विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न कराया गया। मुख्य यजमानों के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ हवन को संपन्न किया गया। उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ और आरती की गई। हम यहाँ सुबह प्रातःकाल मंदिर खुल जाता है और 9 बजे 8 बजे यहाँ पे हवन होता है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छी दरबारों की आगमन है यहाँ पर और मंदिर में बड़े बड़े श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। पूरे 9 दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये काम 9 दिन चलेगा। क्या विशेष रहने वाला है कार्यक्रम? अरे मेरे बहुत काफी हो गए बहुत का, मैं हर वर्ष हर नवरात्रि में सम्मिलित होता हूँ और एक बड़ी शांति मन को प्रसन्नता। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं तो मंदिर की, इससे बढ़िया मैं समझता हूँ मुरादाबाद में शायद किसी और मंदिर में नहीं होंगी जो हमारे यहाँ व्यवस्था होती है। श्रद्धालुओं से यहाँ जितने भी सेवार्थी हैं मंदिर के कार्यकारिणी वो सब तन मन धन से मंदिर की सेवा करते हैं और श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। भंडारे में हर एक को एक सम्मान देकर सबको किया जाता है, सबको खाना खिलाया जाता। अब कोरोना के बाद से थोड़ा सा खाने का कार्यक्रम रद्द किया गया लेकिन खड़े होकर खिलाते हैं। पहले तो बैठा के भंडारा होता था पूरा, 2500-3000 आदमी हर नवरात्रों में खाता था नवमी के दिन, लेकिन अब कोरोना के बाद से ये व्यवस्था बंद कर दी गई है क्योंकि प्रशासन ने इसकी संस्तुति नहीं की। मनोकामना हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन रेलवे कर्मचारियों द्वारा स्थापित मंदिर है और मुरादाबाद के बहुत गिने चुने मंदिरों में ये एक मंदिर है। 50-60 वर्षों से पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। ये काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब लोगों का सब सर्व धर्म संभाव सबकी सबका जो है स्वागत होता है, उनका सम्मान किया जाता है और नियमित हवन होता है, यज्ञ होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और नियमित रूप से भंडारे का भी साप्ताहिक या 15 दिनों में आयोजन होता है। तो काफ़ी सभी का योगदान है और सभी लोग अपने तन मन धन से इसमें योगदान करते हैं और मंदिर की के तरक्की के लिए सभी का पूर्ण योगदान है। यहाँ पर मंदिर में बहुत ही अच्छी तैयारी चलती है, हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रों में यहाँ 9 दिन तक हवन चलता है। तत्पश्चात और प्रतिदिन शाम को महिला संकीर्तन होता है और नवमी वाले दिन बहुत बड़ा प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। भंडारा प्रसाद यहाँ पर आकर लोग बहुत अच्छे से श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं और माता के गुणगान गाते हुए यहाँ पर दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर और सभी की मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं, इसलिए मनोकामना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रों में यहाँ सुबह पहले नवरात्र के दिन यहाँ कलश स्थापना होती है, उसके बाद माता का हवन होता है यहाँ पर लगातार 9 दिन तक हवन चलता है यहाँ पर। Bye.
आपकी आवाज़।